ये भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत बड़े जादूगर हैं, जिस तरह से माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी, ये बहुत बड़े जादूगर हैं। ईवीएम में इनकी जादू चले, जातवाद में इनकी जादू चले, धर्मवाद में इनकी जाति चले, जादू चले, और तो और ये छोटे किसान बड़े किसान बना करके ये जातवाद किसानों को बांटने में जादू चले, और तो और ये पति पत्नी को बांटने इसमें जादू चले, भाईचारे में जादू चले, और अभी क्या है, इन्होंने जो 2024 का चुनाव आ रहा है इसमें जादू के पुटलियां खुलेंगी, अभी देखते जाइए। हो सकता है वहाँ जम्मू कश्मीर चले जाएं, गुलाम कश्मीर की बात करने लगे, ये तमाम ऐसी बातें होंगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सलाहकार लगे हैं और इनके जो केंद्रीय मीडिया सेल लगा हुआ है, ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहा है। अभी एक बात हुई है हिंदू, और अभी तो माननीय टिकैत साहब ने कहा, अभी मंच से कहा उन्होंने कि ये तो हिंदू और मुसलमानों को तो बांट ही दिया, अब ये सिख और हिंदू को बांटने का काम करेंगे, ये हिंदुस्तान को तोड़ने के काम कर रहे हैं। जो काम अंग्रेज अधूरा छोड़ गए थे, अब उस काम का इन्होंने संकल्प लिया है कि बाकी काम भारतीय जनता पार्टी वाले कर देंगे, आरएसएस वाले करेंगे। देश में इस समय विपक्ष खत्म हो गया है और ये किसान ही विपक्ष बनकर तैयार होगा, असली भूमिका किसान की होगी, अब किसान ही इस देश की तकदीर तय करेगा। मैं राजपाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। हमारे साथ में जो वादा खिलाफी की है सरकार ने, 13 महीना बॉर्डर पड़े रहे, वार्ता कोई नहीं हुई, एकाएक प्रधानमंत्री आते हैं माफ़ी मांगते हैं, और जो हमारी मांगें थी उनके लिए वायदा करते हैं कि भाई तुम्हारी सारी, हम नहीं बॉर्डर को छोड़ रहे थे, सारी बातें मान ली जाएंगी, आज तक एक बात उन्होंने नहीं मानी है। वायदा किया प्रधानमंत्री, देश का वायदा करें और डमान है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में तरह तरह की ट्रैक्टर पाबंद कर दिया, सवारी ले जाने से मीटर लगाए जा रहे हैं, हम पशुओं से बचाने के लिए तार लगाते थे, तार बंद किए जा रहे हैं। तो इस तरह का न्याय ये भारतीय किसान ने बर्दाश्त नहीं करेगी, मौत और जवाब दिया जाएगा, अब आर पार की होगी। अब जो 9 फरवरी को निर्णय लिया जाएगा, मार्च में संसद को घेरेंगे, संसद को दिल्ली कूच करेंगे, ये ऐलान करने जा रहे हैं हम, और भारतीय किसान यूनियन पूरे दिन, आपने नहीं देखा कितनी बड़ी भीड़ है, जोश है किसानों का, जोश को कोई नहीं, जितने जी यात्राएं देंगे उतना जोश बढ़ता जाएगा, जितना जो परेशान करेंगे उतना जोश बढ़ता जाएगा, और आखिर जो होगा कि आर पार की कुश्ती होगी, और जिन्हें सम्मान किसानों को देना पड़ेगा, अधिकार किसान के देने पड़ेंगे, मैं आपकी वायदा करने की बात। अरे ये तो भाई जादूगर है पूरे, आज तक नहीं समझ पाए तो भाई पूरे जादूगर है। हाँ ये भीड़ बता रही है, सब बता रहा है, जनसमूह बता रहा है, हर एक से बात करके देखो कि ये पूरे जादूगर है। हाँ आप जाने, आप जानने हैं, हम जानने हैं, सब जानने हैं। हाँ आज की रैली आपके सामने है, सफलता भी सफल रही। जो रैली 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के अंदर हुई थी, उसी के अनुसार जींद में हुई की रणनीति ये रहेगी, मार्च के महीने में संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे जो भी तारीख घोषित की जाएगी उस पर किसान दिल्ली की तरफ को कूच करेगा। 14 जिलों को छोड़ कर बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जिले बाकी थे सब में ट्रैक्टर परेड निकाली गई। देखो यो एक छड़ावे का काम सरकार की तरफ से किया गया कि किसान को अपने उसमें लेकर के और किसानों के धोखा किया गया। इसी तरह से आगे भी चलता रहा तो किसान आंदोलन इससे भी ज़्यादा चलाने के लिए तैयार है। देखो किसान इतना पागल नहीं है, किसान भी समझता है कि ये क्या कार्य के कर रहे हैं, इनके ये छड़ावे हैं, इन ये बहकावे में किसान अगर आ गया तो किसान बर्बाद हो जाएगा।